हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। जैसा कि फाल्गुन माह की पंचमी तिथि इस बार शुक्रवार को पड़ रही है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है और ऐसे में आप शुक्रवार को पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इस उपाय को ना करें। शुक्रवार के दिन पंचमी तिथि पढ़ना और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है बहुत ही सोने पे सुहागे का कार्य करेगा। ऐसे में इस उपाय को कर लिया जाता है तो घर में धन से जुड़ी सारी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती है। ये उपाय गुरुदेव ने पंचमी तिथि के दिन करने को बताया है। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी पंचमी तिथि के दिन कर सकते हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की हो। ये उपाय तुलसी के पास में किया जाएगा। इस उपाय को चाहे आप शाम के समय करें या फिर सुबह कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले सुबह शाम किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक लेना है, चाहे आटे का दीपक लें या मिट्टी का दीपक लें। अगर मिट्टी का दीपक आपको नहीं मिलता है तो आटे का दीपक ले सकते हैं। वैसे पूजा पाठ में आटे का दीपक प्रयोग किया जाता है तो वह शीघ्र ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप दीपक ले सकते हैं। उसमें आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और लंबी बाती रुई की डालनी है। ध्यान रहे, इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। उसके बाद इस दीपक को स्नान आदि करने के बाद या फिर शाम के समय इस दीपक को जलाते हैं तो हाथ मुंह धोने के बाद तुलसी के पास में जाएं, या फिर सुबह जलाते हैं तो स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पास में जाएं। तब जब आप तुलसी के पास में जाएंगे तो इस दीपक को वहां पर जला देंगे और जलाने के बाद आप अपने हाथ की हथेली पर रखेंगे और अपने मन ही मन कामना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन से जुड़ी समस्या को दूर करें। साथ ही गन्ने का रस लेना है और उस गन्ने के रस की दो बूंद आपको तुलसी में डाल देनी है। खासतौर से गन्ने का रस बाजार में आसानी से मिल जाता है, तो गन्ने का रस मिलता है तो बहुत ही शुभ होता है। गन्ने का रस पंचमी तिथि के दिन अगर आप तुलसी में डालते हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कैसे भी करके अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप कच्चे दूध के दो बूंद तुलसी की जड़ में अवश्य डालें। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। और इसका ये उपाय बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा और ये उपाय आप लोगों के लिए उपयोगी भी होगा। अगर आपको ये उपाय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे उपायों से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।